हेलो फ्रेंड्स, अग्नि पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरी जगन्नाथ जी का एक अपकमिंग मूवी लाइगर का ट्रेलर का आ चुका है। इसमें विजय देवरकोंडा है, अनन्या पांडे है। ये बहुत काफी दिनों से चर्चे में था क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन बहुत बड़े बड़े हैं, पुरी जगन्नाथ जी हैं, चार्मी कौर और उधर हिंदी में धर्रा प्रोडक्शन मिला हुआ है। कोलैबोरेशन बहुत बड़ा है, जबरदस्त है। पैन इंडिया मूवी रिलीज हो रहा है, आई गेस कपल ऑफ इयर्स के बाद विजय देवरकोंडा का बड़ा मूवी आ रहा है, तो हाई एंटिसिपेशन है इसको लेके। एंड कपल ऑफ ग्लिम्स में हमको उनका फाइटिंग का कुछ देखने मिला था, बॉक्सिंग से या रिलेटेड या जो सेमी बॉक्सिंग होता है, फाइटिंग प्लस किक बॉक्सिंग प्लस एक सीन में हमको माइक टाइसन भी दिखे थे, कुछ फोटोज उनका आया था, तो शायद देखते हैं इसमें हमको क्या देखने मिल सकता है। दोस्तों, ईगरली वेट है इस लाइगर ट्रेलर को देखने के लिए, इसमें हमको क्या देखने मिल सकता है। पैन इंडिया एक जो मूवी है उसमें हमको क्या देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, ये ट्रेलर देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, आइए। मुंबई में लिखा भी था, देखिए वो हो गया। अरे पोखरी वाला याद आ गया ट्रेन में। मोदी तो मेहनत बनाए रोहित का था। अपना है क्या? अलग है, मुझे बहुत नीश लग रहा है कि जैसे बॉक्सिंग को लेके और ज्यादातर वो इमोशनल, उनको डायलॉग ज्यादा नहीं था, एक दो जगह डायलॉग अलग टाइप का था, ऐसा लगा कि पूरा गाने में ही दिखा दिया ट्रेलर। करेक्ट करेक्ट, मतलब अलग से रैप जैसे चल रहा था, कुछ एक दो ही डायलॉग था। और ये चला कि कैरेक्टर ऐसा लग रहा है वो सिटी आया है, माने उसकी मम्मी की रम्या बने, उनके मम्मी वो आए हैं मुंबई सिटी आए हैं एंड वो लोग वहाँ पे ट्राई कर रहे थे। उनका वैसा स्टोरी कुछ लग रहा, अंडरडॉग वाला जो स्टोरी रहता है उसमें। फिर फाइटिंग का दोस्तों माना वैसा हो सकता है कि मूवी ट्रेलर के जगह में जब मूवी देखने के टाइम अलग हो सकता है। ट्रेलर मेरे हिसाब से सबको प्लीज नहीं कर सकता था, बहुत बेटर हो सकता। हाँ, ट्रेलर भी ऐसा मुझे लगता है फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं दिखना मुझे, ये वैसे दिख रहा है कि शायद ज्यादातर जो यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मेरे हिसाब से। फैमिली ऑडियंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे विथ मम्मी पापा ये ऐसा मूवी जाके देखे, मुझे ऐसा लग रहा है, उसमें मुझे कुछ दिखा नहीं। और अनन्या पांडे का मुझे उतना अच्छा लग रहा है, उतनी थी भी नहीं मुझे उतना मजा नहीं है, मैंने सब वो सब बहुत फोर्स्ड लग रहा था, पता नहीं क्यों उनका रोल। इवन पहली बार रम्या कृष्ण जी का तुझे कैसा लगा उनका? उनका पता नहीं मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ओवर लग रहा था मुझे, उतना मजा नहीं आया देखने। ओके दोस्तों, तो ट्रेलर ही है, लेकिन जहाँ पे भी डायलॉग था ना वो अच्छा लगा था, जैसे वो हद से हकला रहे थे वो थोड़ा ठीक ही लगा मुझे, स्टैमरिंग वाला जो पार्ट था वो। और एक तो फाइटिंग बहुत अच्छा था जो, लेकिन मेरे को लगा स्टैंड भी बहुत कम दिखाया। मैंने क्या बोलता, जहाँ फाइटिंग अभी स्टार्ट होने वाला है या तो मूव हो गया, लेकिन फाइटिंग दिखाया नहीं, तो देखेगी तो, क्योंकि अगर फाइटिंग मूवी है तो ट्रेलर में थोड़ा बहुत तो दिखाना चाहिए कैसा रहे, क्योंकि वो ऐसा दिखाया कि या तो मारने वाला है या मार चुका है, वो सीन दिखाया। बीच का तो फाइटिंग में उतना बहुत सारा मिसिंग था। विजय देवरकोंडा दोस्तों ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे,
लाइक बॉडी वॉडी जैसा बनाया है उनका, वो बहुत अच्छा दिख रहा था, बट ओवरऑल ट्रेलर मुझे, मैं बोलूंगा एवरेज लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। ट्रेलर बेटर हो सकता था। अब अगर ऐसे ही ट्रेलर है तो मेरे को आई डोंट हैव हाई होप फ्रॉम द मूवी, जैसे मेरा ये ओपिनियन है। पूरी जगन्नाथ जी डायरेक्टर है, वही चांस है कुछ अलग लेके आएंगे। पूरी जगन्नाथ जी का तो थोड़ा कुछ होप रहना। ठीक, पूरी मेरे को अच्छा तो वैसे ही लगा। दिखते हम लोग आगे क्या होगा इस मूवी का फेट। आगे ऑडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।